और आप बोलोगे हैप्पी अष्टमी। अहोई अष्टमी की सभी माओ को बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। सभी हमारे बच्चों की आयु लंबी हो, अच्छा इंसान बने, माँ बाप का और पूरे खानदान का नाम अच्छे कामों से रोशन करे। यही मैं भगवान से अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ और आप सबके बच्चों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए जी, इस तरह से आपके कहने पे मैंने ये ब्लॉग शूट करा है। बड़ी मुश्किल होती है छोटी छोटी चीज़ें ऐड करना, लेकिन अगर आपके डिमांड पे मैंने करा है, लेकिन वो ये भगवान के काम का ही व्लॉग है, तो मैं इसलिए ज़रूर से अपलोड करूँगी। कोशिश पूरी करती हूँ बनाने की, लेकिन वो आपके कमेंट बताते हैं ना, जब अच्छे अच्छा लगा तो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया। तो अब मैं भगवान जी को उठाऊँगी, लाला को, लड्डू गोपू को उठाऊँगी, देखती हूँ कौन सी ड्रेस पहनाती हूँ, तैयार करूँगी। ठीक है, जय श्री राधे। वो एक ही थे करण की कचौड़ी बनाई है और अब से हरे कृष्णा राधे राधे। देखिए जी, मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरी होई अष्टमी की कथा सुनने के लिए। बस हरे कृष्णा राधे राधे कृष्णा सी चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठ के लेते हैं ऐसे, मैं आज के दिन भी ले लेती हूँ क्योंकि चाय वगैरह एक बार पी लो तो पूरे दिन सर दर्द नहीं आता। 3:30 से 4 तक मैं चाय वगैरह ले लेती हूँ अंधेरे तक, क्योंकि बिना नहाए धोए आप ले सकते हैं। ये देखिए, तो खूब अंधेरा है बाहर, आवाज़ आ रही है भौंकने की, कुत्तों की। ये देखिए सन्नाटा पड़ा है, पूरा पूरा सब सन्नाटा पड़ा है। और बस फिर पूजा करेंगे, तुलसी माता में जोत जगाएंगे, लाइट जलाऊंगी। ठीक है जी, ये भी बंद पड़ा है। और सो यम वाली चाय रेडी हो चुकी है, क्योंकि चाय के बिना तो पूरा दिन फिर बेकार जाता है। ठीक है, कौन कौन इलायची वाली चाय पिएगा सर? फटाफट कप में डालते हैं और साथ में कुछ लेना चाहें आप ले सकते हैं, पर इतनी सुबह सुबह खाया तो जाता नहीं कुछ भी। चलिए चाय लेके चलते हैं पीने। और अब मैं बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए। और इतनी सारा तेल थोपा हुआ है, चंपी करी थी कल, क्योंकि आज सर धोना है इसलिए। क्योंकि जब भी मेरे को सर धोना होता है तो मैं एक दिन पहले तेल लगाती हूँ, तो ढेर सारा लगा लिया, पूरा तर हो रहा हूँ तेल से सर। तो बस अब हम चाय पियेंगे, और चाय इसलिए भी पीते हैं क्योंकि माइंड फ्रेश रहे, सर दर्द ना हो, सारा दिन पड़े ना रहें। और अब 3 से 4 बजे तक अपना, क्योंकि बासे मुंह अंधेरे में हम चाय पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं खाना चाहे तो, क्योंकि एक सरगी टाइप हो जाता है। अब मुझे क्वेश्चन भी सबने करा था कि आप करवा चौथ पे चाय पी लेते हो। जी मैं बिल्कुल पी लेती हूँ, क्योंकि जैसा हम शुरू से रखते हैं वैसे ही आगे भी रखते हैं, जैसे हमारी सास रखवा देती है। ठीक है, तो इसलिए हम सुबह पी लेते हैं, पूरा दिन फिर फ्रेश जाता है। तो अब हम इस टाइम भी पी रहे हैं, तो एक तरह से सरगी टाइप ही आप समझ सकते हैं सुबह सुबह। कई लोग तो जब तक सूर्य नहीं निकलता तो खाते पीते रहते हैं, ऐसा भी सुना है मैंने। बट मेरा हिसाब है 3 से 4 बजे तक चाय तो पी लो, बाकी आपकी इच्छा, आप कितना कुछ खाना चाहो वो आप खा सकते हो। मेरे से नहीं खाया जाता, मेरे से तो चाय मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एक रस या बिस्कुट सुबह सुबह। ठीक है, तो और अब आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ब्लॉग देना, तो मैं जैसे ही उठी हूँ सो के वैसे ही मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और मेरा रूम ये है, और बट मैं अभी फ्रेश आई हूँ, अभी नहाई धोई नहीं हूँ बस। और नहा के पहले अब चाय पी के सफाई करूँगी, सफाई करके फटाफट से क्या करूँगी, पूरे घर की सफाई। सफाई करके फिर आप सबको नहा के मैं कथा सुनाऊंगी, फिर वीडियो एडिट करूंगी। अच्छा, कई बार मैं क्या करती हूँ, एक दो दो वीडियो बना लेती हूँ, फिर उसको मैं एक आज जैसे अपलोड कर दी, एक कल कर दी, इस तरह से कर देती हूँ। क्योंकि इसलिए भी दो बना के रख लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं आना जाना पड़ जाए, या बीमार हो जाऊँ, या फिर वैसे भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो हमारे पास एक आध दिन की कथा तो हो, इसलिए दो दिन की दो कथा कर लेती हूँ, एक आसमान देती हूँ, एक कल डाल देती हूँ। ठीक है, सब कुछ बता देती हूँ मैं आपको।
बता, पेट में बात नहीं बचती ना, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन इतने उतने होते हैं, ये कैसे होता है वो कैसे होता है। चलिए जब मैं चाय पी लूँ फिर बहुत लेट हो जाएगा। जय श्री राधे, मिलती हूँ आगे। आज मैं ज़्यादा, आज भी लेट ही हो जाते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा तो नहीं होंगी, नॉर्मल। फिर भी सूट पहनती हूँ, सूट कंफर्टेबल लगता है। पहले तो काफ़ी साड़ी भी डाल लेती थी, तो अब वो इतनी सारी रखी रहती है, अब तो खाली को तुम्हें श्रृंगार दिखाती हूँ जब भी सच के आती हूँ। तो देखती हूँ क्या पहनती हूँ, फिलहाल सुबह सूट ही डालूंगी। तो राधे राधे और पतिदेव, उस दिन की तरह सुबह सुबह जा रहे हैं हम मंदिर, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। ये नहा धो लेते हैं, मैं बाद में नहाती हूँ। अब सफाई तो मैंने कर ली, अब मैं नहाऊंगी। तो मैं इनको बाय बाय बोलती और जल्दी आना ये बोलती थी। और अब नीचे पतिदेव पहुंच गए। ये देखो आप, तो देखो बाय बाय बोल दी उनको। पतिदेव गए 4:30, काम मैंने कर लिया सारा फटाफट से। अब बस नहाने जा रही हूँ, नहा के और फिर कथा सुनानी है। जो कथा सुनानी है आपको, अपलोड भी करनी है और बना के एक्स्ट्रा रखनी भी है, ठीक है जी। तो अब मैं नहा चुकी हूँ और मैंने ड्रेस पहनी है अभी, और देखो बाहर कितना गुप्त अंधेरा दिख रहा है। तो बस अब कथा पढ़ती हूँ कार्तिक की, ठीक है। और देखिए मैं लाइट जलाती हूँ फटाफट और जल्दी से कथा पढ़ते हैं। जय श्री राधे। मैंने कर ली है कथा कार्तिक की, ये तो आपको बाद में मिलेगी, क्योंकि मैं आपको बता ही दिया कि मैं एक एक दो दो पहले ही सेव करके रखती हूँ। तो जो जग रही है बाहर, और कथा हो चुकी है। चलिए जी अब मैं सेवा पूजा करती हूँ। पहले अपलोड करूँगी जो अध्याय रह रहा है, और उसके बाद सेवा करनी शुरू करूँगी, ठीक है जी। श्री राम जी, अभी मंदिर खोल चुकी हूँ, ये देखिए, ठीक है। बट अभी उठाऊँगी बच्चों को। तो राधे राधे बेटा, राधे हाँ राधे राधे कर रहा, सबको रेडी हो चुका है। इसके बाद की सारी वीडियो डिलीट हो चुकी हैं, मैंने जब एडिट कर ली थी, पूरे आधे घंटे की वीडियो थी ये। तो ये कुछ मैं फोटो दिखा रही हूँ, इस तरह से कथा मैंने पूरी पढ़ी थी बिंदायक जी की, और ये वाली कि आपको सुनाने के लिए सब डिलीट हलवा हो बन गई। रहा है क्योंकि तारे निकलने वाले हैं, तो हलवा रेडी हो चुका है। सो यम हलवा तो इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है, और अब गैस बंद कर देंगे तो माता रानी को भोग लगाएंगे। फिर वही शाही पनीर बनेगा, वैसे फेवरेट है हमारे घर में पनीर की सब्जी बहुत ज्यादा। तो जल्दी ही रेसिपी भी दूंगी, मैंने सोचा इसमें दे दूं, लेकिन काफी लंबी ऑलरेडी वीडियो हो गई है, तो वो अलग से मैं आपको दे दूंगी। अब तारे निकलने वाले हैं, देखिए मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। अभी मुझे दिख नहीं रहा कोई तारा, तो देखो कहीं कोई तारा अभी नहीं दिख रहा, तो थोड़ा सा वेट और करते हैं। अभी 6:30 होने वाले हैं, पर तारा मुझे कहीं नहीं दिखा, और दिखेगा फिर हम अर्घ देंगे, ठीक है जी। तारा निकल गया है, उधर दिख रहा है वो तुमको, वो जो मैंने चुन्नी में चावल बांधे थे वो मैं ले लूंगी, और चाहे तो हाथ में रख के भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, वो इसमें डाल दूंगी, ठीक है। पहले हम मैं बच्चों से भी तिलक लगा दूंगी, आ जाओ। पूजा बस पानी।
तो ये भोग बनाया था, पूड़ी, शाही पनीर, खीर, और रायता भी था, वो भूल गई थी रखना, तो ये सब बनाया था, नारियल की चटनी भी थी। तो भोग लगा रहे हैं और बड़ा दुख हुआ मुझे, सारी मेरी वीडियो डिलीट हो गई, पर जो बचा मैंने आपको जरूर दिखाया, ये लास्ट की है। तो आपको अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय श्री राधे। और लड्डू गोपू को श्रृंगार वीडियो भी बनाई थी, कन्हैया की भी बनाई थी, इसी वीडियो में सब ऐड करा था आधे घंटे की में, लेकिन जो प्रभु की इच्छा सब डिलीट हो गया। अब ये जो बचा कुछ है वो मैंने दिखा दिया, इस तरह से रेडी हुए थे। तो जय श्री राधे।